नेक्स्ट इज अबाउट इंडिया एंड सेंट्रल एशिया इस पर अगले साल जरूर से जो क्वेश्चन है देट विल बी फ्रेम्ड क्वेश्चन जरूर से जो है फ्रेम आपका होगा मेन्स uh, का जो क्वेश्चन है बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चन जो है जैसे इस बार भी ए uh, यू के यू के ऊपर देर वॉज अ क्वेश्चन क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन उस पर चल भी रहा था तो पूछा गया था सो इंडिया एंड सेंट्रल एशिया इंडिया एंड सेंट्रल एशिया एक टॉपिक आपका बन जाता है तो ये भी इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है 5G जी ऑप्शन के ऊपर है दैट इज़ ऑल्सो इकोनॉमी और साइंस टेक का आप इसको कर सकते हैं हेल्थ डेटा रिटेंशन प्लान तो ये पॉलिटी गवर्नेंस के अंदर इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं रेयर इंसेक्ट ये आपका प्रिलिम्स का टॉपिक फ्रेम हो जाता है फिर उसके बाद जो प्रिलिम्स का क्वेश्चन है दैट आल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अच्छा इसका सेशन का टाइमिंग आप सभी को पता है दैट इज सिक्स फिफ्टीन ए तो 5 एम सेशन होता है आ, उसके बाद आपका ये सेशन होता है 5 एम सेशन के अंदर जो प्रिलिम्स एस्पेक्ट है दैट वी डिस्कस अलग अलग जो डिफरेंट डायमेंशन है 5 एम सेशन के उसको हम लोग डिस्कस करते हैं सो लेट्स सी आज का जो प्रिलम्स का क्वेश्चन है ग्रीन क्लाइमेट फंड के ऊपर है इट इज़ अ फंड स्टेब्लिश्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एज एन ऑपरेटिंग एंटिटी

और उसके बाद जीएस का भी एग्रीकल्चर का कोर्स आएगा आईआर का कोर्स आएगा उसमें प्रोस्पेक्टिव फ्रॉम प्रलम्स प्रोस्पेक्टिव उसके अलावा भी कई सारे जो कोर्सेज़ हैं रहेंगे तो अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोर्स आपका आ रहा है और भी कई टॉप एजुकेटर्स के द्वारा करंट अफेयर का कर रिवीजन कोर्स भी रहेगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आप लाइव पढ़ सकता है सारे सब्जेक्ट को आप कर सकते हैं देखो जब आपको ज्वाइन करते हैं तो आप ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एक एजुकेटर के कोर्स करते हैं सारे एजुकेटर के सारे सब्जेक्ट के सारे कोर्सेस आप एक्सेस कर सकते हैं यूज़ द कोड एस और आप ज्वाइन कर सकते हैं अभी एक ग्रेट ऑफर है कॉम्बो जी और ऑप्शनल में ट्वेंटी प्लस टेन परसेंट आपका ऑफ भी है और इस अमाउंट में आपको पूरे एटीन मंथ्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हिंदू प्रैक्टिस को इसका आप हिस्सा बन सकते हैं आज है फिफ्टीन को एम सी क्यू फिफ्टीन मिनट्स टेन थर्टी ए एम को आप इसका भी हिस्सा बन सकता है इकोनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल कोच जो है वो असाइन होता है जब आप ज्वाइन करोगे तो आप सारे एजुकेटर के कोर्सेज सक्सेस कर सकते हैं इंक्लूडिंग द बैच कोर्सेस सो स्टार्ट करते हैं लेट्स सी द फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट इज़ अफ्रीकन यूनियन स्लैम्स वीव ऑफ को डराइल वोट अब देखो इसमें क्या है कि जो एक uh, मैटर ऑफ कंसर्न है अफ्रीका के अंदर अफ्रीका के अंदर जो एक डेवलपमेंट हो रहा है जैसे अभी फ़िलहाल कुछ समय पहले ही बर्किना फोसो ये फोर्थ कंट्री है जिसको अफ्रीकन यूनियन से सस्पेंड किया गया है और यहाँ भी क्या है कि जो सोल्जर्स हैं कुछ आर्मी का आप कह सकते हो उन्होंने क्या किया जो सिविलियन गवर्नमेंट को हटा के और ख़ुद पावर कैप्चर कर लिया तो गनिया है माली है सूडान है ये तीन देश ऑलरेडी थे ये चौथा देश है एक चार्ड में भी देखने को मिला था बट उसमें भी ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया गया तो ये जो एक वेव है मिलिट्री को का इसको काफ़ी अधिक कंडेम किया गया है अफ्रीकन यूनियन जो है अफ्रीकन यूनियन के कई सारे जो कंट्री पार्ट हैं तो उसमें जो भी कंट्री में ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है मिलिट्री को कैरी आउट किया जा रहा है सो तो उन कंट्रीज़ को अफ्रीकन यूनियन से हटाया जा रहा है लेकिन अगर इस इस तरीके से अगर स्प्रेड uh, होगा वेव ऑफ मिलिट्री को तो एक मैटर ऑफ़ कंसर्न बन जाता है अफ्रीकन यूनियन के बारे में जानना जरूरी है अभी और वो क्या है अफ्रीकन यूनियन इसमें 55 मेंबर्स हैं अब इसमें से आई थिंक फोर आप थ्री फोर माइनस हो गए हैं ये ऑफिशियली 2002 के अंदर लॉन्च किया गया था और इसका पहले जो नाम था वो था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिट ओ ए यू नाइनटीन से लेकर 1999 तक फिर ऑफिशियली इसको लॉन्च किया गया एज अफ्रीकन यूनियन इन 2002 थाउजेंड में आपका ये सामने आया इसके अगर ऑब्जेक्टिव्स देखे जाए पर्पस जैसे इस बार अगर आप देखोगे तो एस के बारे में पूछा था मेंस के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव ऑफ एस सी ओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एरिया भी काफ़ी न्यूज़ में था और उसके बारे में वी हैव डिस्कस्ड आल्सो तो वहाँ पे प्रश्न आपके लिए फ्रेम हुआ था हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अफ्रीकन यूनियन सो इसमें क्या है यूनिटी सॉलिडैरिटी ये लाइन्स आपको याद रखें यूनिटी है सॉलिडरिटी है कोऑपरेशन है कोऑर्डिनेशन है जिससे कि अफ्रीका में जो लोग रह रहे हैं उनकी लाइफ अच्छी हो सके एक दूसरे की सोवेनिटी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस को रेस्पेक्ट करना डिफेंड करना करना कॉलोनीलिज़म जो अफ्रीका के अंदर है उसको खत्म पूरी तरीके से किसी भी फॉर्म का हो उसको खत्म करना इंटरनेशनल कोऑपरेशन प्रमोट करना यूनाइटेड नेशन और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो चार्टर है यूनाइटेड नेशन का और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं उसमें उसको भी प्रमोट करना और उसको अचीव करने के लिए इंटरनेशनल एरिना के अंदर कोऑपरेशन इस्टाब्लिश करना तो ये दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स इन ये सारे के सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट देखते हैं इंडिया रिटर्न टू सेंट्रल एशिया बहुत अल्टीमेट आर्ग्यूमेंट्स इस आर्टिकल के अंदर दिए गए हैं उन आर्गूमेंट्स को हमें ध्यान में से यूज़ करना है मतलब इन जनरल ये जो सेंट्रल एशिया इस समय बहुत एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है जैसे पिछले साल अगर आप देखोगे तो या पिछले साल या काफ़ी समय तक जो पूरा इंडो पैसिफिक है उस पर बहुत अधिक डिस्कशन होने हुआ था फिर जब से जो रिजीम चेंज हुई है आ, अफ, आ, अमेरिका के अंदर उसके बाद से ये जो रीजन है ख़ासतौर से यूरेशन पावर ब्लॉक इस पर काफ़ी काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है और काफ़ी इस पर डिस्कशन भी हो रहा है अफ ईवन अफगानिस्तान से यूएस ने जो विद्रा किया है उसके बाद से ये रीजन का भी इम्पोर्टेंस बढ़ गया और एक ये नया एरिना बन गया है जहाँ पे अलग अलग जो पावर सेंटर्स हैं वो आपके आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं कई जगह पर कोऑपरेट कर रहे हैं कई जगह कोआर्डिनेट कर रहे हैं ये सब चीज़ें हो रही हैं वे यू टॉक अबाउट इस पूरे रीजन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखो कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखना है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि इंडिया को अपना इंगेजमेंट सेंट्रल एशिया के अंदर क्यों इंक्रीज करना है पहला डिक्लाइन ऑफ अमेरिकन प्रेशर एंड पावर इन द ब्रॉडर रीजन अब ये जो पूरा का पूरा रीजन है जैसे अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका प्रेजेंट था कई सारे रीजन पे अमेरिका प्रेजेंट था अमेरिका ने अफगानिस्तान से विदड्रॉ किया अफगानिस्तान से क्यों विदड्रॉ किया क्योंकि उसे लगता था कि स्ट्रैटेजिक लेवल पे ये जगह इतनी इंपॉर्टेंट इस समय अभी नहीं है साथ में वो अपने जो फ़ोर्सेस हैं उनको शिफ्ट करना चाहता था किधर चाहे वो साउथ चाइना सी का रीज़न हो या इंडो पैसिफिक रीजन हो वहाँ उन जगहों पे अपने फोर्सेस को शिफ्ट करके चाइना को काउंटर करना चाहता था अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझना आप समझने की कोशिश करना ये जो पॉलिसी है जो कि यू ने अडोप्ट किया कि ठीक है हमने इतनी बड़ी फोर्स अफगानिस्तान में लगा रखी है और इसका फ़ायदा हमें इतना नहीं हो रहा है तो लेट्स चेंज इट अभी क्या करते हैं कि यहाँ से विड्रॉ करके और जो भी ये फोर्सेस है इसको हम चाइना को काउंटर करने के लिए साउथ चाइना सी रीज़न इंडो पैसिफिक रीजन पे इसके प्रेजेंस को इंक्रीज़ करते हैं इस चीज़ को काउंटर अगर देखा जाए दूसरा व्यू पॉइंट अगर देखा जाए दो लेवल पे है दोनों पॉइंट्स को ध्यान से सुनना है अगर आप दो पॉइंट्स को समझो पॉइंट नंबर वन है कि जो साउथ चाइना सी है या इंडो पैसिफिक का जो ये इलाका है यहाँ पर यू का प्रेजेंस इंक्रीज़ ना हो तो यूएस को और जगह पे इंगेज रखना जरूरी है उसे भी ये लगे कि ठीक है यार मैंने जो अफ़गानिस्तान से फ़ोर्स निकाली है इधर से उसको ऐसा नहीं कि सब जगह ठीक रहे और पूरा फोर्स साउथ सी और इंडो पैसिफिक पे ही लगा दिया जाए तो यहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट का रीज़न होगा यहाँ जो टेंशन क्रिएट होगा खास तौर से चाहे यूक्रेन में हो चाहे बेलारूस में हो चाहे कजाकिस्तान में हो या इस पूरे इलाके में जो टेंशन क्रिएट होगा या फिर रशिया और चाइना जो एक इसे पावर ब्लॉक के रूप में बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे ही ये टेंशन डेवलप होगा तो जो शिफ्ट है यू एस ए का वो देखने को जो मिल रहा था साउथ चाइना से इंडो पैसिफिक की तरफ वो थोड़ा शिफ्ट इधर आ जाएगा तो काउंटर करने का ये एक स्ट्रैटी हो सकती है चीन के द्वारा भी और रशिया के द्वारा भी कि यू एस ए पूरे तरीके से साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक रीजन पर ही फोकस ना कर पाए और साथ में दूसरा पॉइंट है कि एक परसेप्शन वॉर भी हो सकती है बिटवीन रशिया एंड यूएसए अगर पहले के टाइम पे देखो हर टाइम पे यूएसए वर्सेस चाइना यूएसए वर्सेस चाइना तो यहाँ पे दो पावर सेंटर्स जो थे उन्हें यूएसए और चाइना ही हम कंसीडर कर रहे थे कि दो पावर सेंटर रशिया कहीं बीच में घूम गया था तो अब क्या है कि यू वर्सेस रशिया यू वर्सेस रशिया मीडिया में भी ये चल रहा है तो परसेप्शन में जो माइंड परसेप्शन है उसमें अगेन जो पावर एक्वायरमेंट है दैट विल बी देयर बाय द रशिया एक ये पॉसिबिलिटी आपकी हो सकती है तो कई लेवल पे देखा जाए तो एक जो एरिना बन गया है कि एक वैक्यूम भी सेंट्रल एशिया में जो क्रिएट हुआ है उसको फिल करने की चाइना रशिया कोशिश करेंगे एक ये आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है और उस वैक्यूम में क्योंकि चाइना रशिया की बात की जैसे चाइना खासतौर से जो इकोनॉमिक लैंडस्केप को जो मतलब इकोनॉमिक लेवल पे अपना प्रेजेंस बढ़ाएगा रशिया पोलिटिकल मिलिट्री लेवल पर प्रेजेंस जो है बढ़ाएगा और इस बीच में इंडिया भी कोशिश करेगा कि अपने प्रेजेंस को उस जगह पर खास तौर से इंक्रीज़ करे और रशिया भी चाहेगा कि एक यूजफुल पार्टनर के रूप में इस रीजन में इंडिया रशिया का हिस्सा बने जो कि हेल्प करेगा इन जर्नल टू काउंटर चाइना इन दैट रीजन तो ये एक पॉइंट भी आपका हो सकता है यूएस की बात करें तो अगर इंडिया रशिया रिलेशनशिप ग्रो करेगा तो वो उसको पसंद नहीं करेगा लेकिन अगर चाइना की बात करें तो मे बी यू और Uh, मतलब रशिया और इंडिया का रिलेशन अगर ग्रो करता है तो शायद इतना फ़र्क अभी फ़िलहाल के लिए चीन को इतना अफेक्ट नहीं पड़ेगा इतना मैटर ऑफ कंसर्न नहीं रहेगा इट्स अबाउट ब्रेकिंग आउट अ कॉन्टिनेंटल नट क्रैकर सिचुएशन ये भी एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे क्या है कि अगर यू एस ने विद्रॉ किया अफ़गानिस्तान से तो अब बहुत एक मेजर डिलोमा फेस किया जा रहा है बहुत एक मेजर डिल में फेस किया जा रहा है न्यू दिल्ली के द्वारा या इंडिया के द्वारा हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी एलओसी और एलएसी की जो सिचुएशंस आपकी एग्जिस्ट करते हैं तो यहाँ पे चाइना है तीन आपके प्लेयर्स आ गए एक तरफ तो चाइना है एक तरफ पाकिस्तान है दूसरी तरफ तालिबान लेट अफगानिस्तान आ गया तो ये तीन है ये तीनों कंबाइन करके एक कंबाइंड एफर्ट से इंडिया के जो स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है उसको काउंटर कर सकते हैं अब ये ऐसा ना हो इसलिए जरूरी क्या है कि इंडिया अफ़गानिस्तान में अपनी पॉलिसी को और फर्म करने के लिए उसे अपना जो इंगेजमेंट है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ से वो बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सी जो कंट्रीज़ हैं इनके साथ अफगानिस्तान का रिलेशन भी है और साथ में बॉर्डर भी आपका करता है तो ये एक पॉइंट बन सकता है कि इंडिया अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अफगानिस्तान के अंदर और ये एक जो कंबाइंड एफर्ट हो सकता है चीन पाकिस्तान या तालिबान लेड अफगानिस्तान के द्वारा उसको काउंटर करने के लिए इंडिया कई सारे जो स्टेप्स है वो आपके ले सकता है इंडिया एंगेजमेंट ऑफ सेंट्रल एशिया वुड ऑल्सो हेल्प इट इट टू कंसोलिडेट इट्स पोस्ट अमेरिकन अफगानिस अफग़ान पॉलिसी अफगानिस्तान के अंदर किस तरीके की अप्रोच होना चाहिए किस तरीके की पॉलिसी इंडिया को फॉलो करना चाहिए इसको डिसाइड और डिटरमाइन करने में भी इंडिया और सेंट्रल एशिया का जो इंगेजमेंट है वो आपका काफ़ी हेल्प करेगा ये एक पॉइंट ध्यान में रखना है क्योंकि खास तौर से देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रेटिजिक लोकेशन है सेंट्रल एशियन कंट्रीज की अगर बात की जाए चाहे वो अप्रॉक्सीमेटी टू पाकिस्तान ऑक्योपाइड कश्मीर है ताजाकिस्तान इमेंस जो जियो सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए भी रखता है इंडिया और सेंट्रल एशियन जो रिपब्लिक हैं वो रशिया के डिफेंस इक्वमेंट का भी इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर भी एक पॉसिबिलिटी बन जाती है इंडिया और रशिया का इंगेजमेंट विथ सेंट्रल एशिया डिफेंस प्रोडक्शन इंडिया और रशिया के द्वारा किया जा सकता है तो इसमें फिर फर्दर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ इंगेजमेंट इंक्रीज़ किया जा सकता है और इंडिया भी इसको मार्केट अपना आ, बना आ, सकता है तो ग्रोइंग इंडिया रशिया पार्टनरशिप आल्सो एक्सप्लेन इंडियाज़ नॉन क्रिटिकल स्टैंड ऑन डेवलपमेंट इन यूक्रेन एंड कजाकिस्तान ये भी पॉइंट हाईलाइट करते हैं इंडिया ने एक क्वाइट डिप्लोमेसी को ऑप्ट किया था जो भी डेवलपमेंट कजाकिस्तान के अंदर हो रहा है जो भी डेवलपमेंट यूक्रेन के अंदर हो तो इंडिया ने साफ साफ इस चीज़ को हाईलाइट किया कि हम मतलब अपना जो स्टैंड है उसको ऐसा कोई लिया नहीं किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की तरफ ऐसा उसने नहीं नहीं लिया क्योंकि दो पावर इसमें इन्वॉल्व है इंडिया किसी की तरफ भी इनक्लाइन नहीं हो सकता है तो चाहे वो यूक्रेन हो कजाकिस्तान हो तो वहाँ जो रशिया का स्टैंड है उस रशिया के स्टैंड को इंडिया ने ऐसा ओपनली अपोज़ नहीं आ, किया है तो ये एक पॉइंट uh, और भी हाईलाइट कर रहा है कि इंडिया रशिया के साथ सेंट्रल एशियन रीजन में इंगेज करना चाहता है अब यहाँ पे कई सारे चैलेंजेस हैं कई जो चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस uh, क्या है पहली चीज़ तो ये है कि सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अगर इंडिया चाहता है कि चलो सेंट्रल एशिया तक अपने रीच को बढ़ाया जाए तो उसे काउंटर करना है चाइना को चाइना ऑलरेडी उसके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो लैंड बॉर्डर उस रीजन के साथ शेयर करता है बहुत पहले हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि थ्रू पाकिस्तान अब अफगानिस्तान भी हो गया इन कंट्रीज़ का बहुत बड़ा पर्पज़ है कि इंडिया को रोका जाए सेंट्रल एशिया तक रीच करने तक अगर आप देखोगे मैप को अगर देखोगे तो यहाँ पे जो ये इलाके हैं चाहे पाकिस्तान है अफगानिस्तान है इधर ईरान है इधर आपका इंडिया है और यहाँ सेंट्रल एशिया है सो इंडिया को या तो ईरान के माध्यम से जाना पड़ेगा इंडिया ने कुछ स्टेप्स लिए थे चाबहार पोर्ट और ये सब एक तो पाकिस्तान के माध्यम से हम ऐसे एंटर नहीं कर सकते ना हम जैसे ये पूरा रीजन है चाहे वो पाकिस्तान है या अफ़गानिस्तान है अब अफगानिस्तान में तालिबान आ गया तो हम ये सेंट्रल एशिया तक रीच नहीं कर सकते ईरान के ऊपर सेंक्शन इम्पोज हैं तो वो एक मैटर ऑफ कंसर्न अभी जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन की जो बातचीत चलेगी यू के साथ किस तरीके से चलती है सेंक्शनस कैसे इम्पोज़ किए जा रहे हैं या सेंशनस विदड्रॉ कैसे किए जा रहे हैं तो ये एक अल्टरनेटिव दे सकता है कि ईरान के माध्यम से हम यहाँ सेंट्रल एशिया तक रीच कर सकें क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान इन पर हम रिलाई नहीं कर सकते हैं प्रेजेंट जो कंडीशनस हैं तो यहां पे हमारी जो रीच है वो ऐसे हो हो सकती है तो चाइना ने भी इसको बहुत स्ट्रेटजिकली सोचा और इंडिया को इन दो कंट्रीज के माध्यम से ब्लॉक कर दिया कि हम सेंट्रल एशिया तक रीच ना करें तो यहां पे क्या है चाइना के पास एडवांटेज ये है कि चाइना बेसिकली उसके पास लैंड बॉर्डर है सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज है उनके साथ तो उसने ऑलरेडी वहाँ के पोलिटिकल और जो इकोनॉमिक पावर है वहां पर अपना अपना जो प्रेजेंस है वो काफी अधिक इंक्रीज कर लिया अपना इंगेजमेंट इंक्रीज कर लिया तो किस तरीके से इंडिया उसको काउंटर करता हुआ एक बड़ा चैलेंज बन सकता है और इसके लिए कहा गया कि अगर कनेक्टिविटी है तो उसके लिए हाइब्रिड मॉडल फॉलो किया जा सकता है जैसे चाबहार पोर्ट है फिर तक हम पहुँच सकते हैं उसके बाद रोड रेल और इसके माध्यम से हम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक तक रीच कर सकते हैं और कनेक्टिविटी अपनी स्टैब्लिश कर सकते हैं नेक्स्ट देखते हैं फिक्सिंग फ्रिक्वेंसीज फर्स्ट अच्छा एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए फाइव एम सीरीज ऑलरेडी अपलोडेड है तो उसको आपको देखना है प्रिलिम्स के कंटेक्ट में ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट जो सोर्सेस वहाँ से रहते हैं उसके अलावा जो ध्यान में रखना कि जो स्पेशल क्लासेस है अकेडमी के अंदर वो जल्द से जल्द भी दो तीन दिन के अंदर इट विल स्टार्ट जो जनरल साइंस और वो सब चीज़ें हैं वो भी आपकी चलती रहेंगी तो वो आप कर सकते हो और एक हैबिट आपको डेवलप करना चाहिए मॉर्निंग में जल्दी उठ के और सेशन को अटेंड करने का एक हैबिट ज़रूर से डेवलप करना चाहिए इस सेशन का जो पीडीएफ है वो भी आपसे इट विल बी शेयर्ड कल का जो पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है और लिंक मैं आपसे अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा तो उसको भी आप गो थ्रू हो सकता है सो so, फिक uh, अच्छा कल का हिंदू का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप सभी को पता साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेशन होता है बारह बजे होता है ठीक है मतलब मंडे टू सैटरडे आपका जो टाइमिंग है दैट इज़ सिक्स फिफ्टी ओनली लेकिन संडे का जो टाइमिंग है दैट इज़ ट्वेल्व पी जो और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्पेशल इशू पब्लिश होता है तो अगर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यू तो ये सेशन आपको देखना ज़रूरी है नेक्स्ट देखते हैं फिक्सिंग फ्रिक्वेंसीज फर्स्ट अब इस पर कई आर्टिकल्स और भी आएंगे गवर्नमेंट ने अभी 5G टेक्नोलॉजी के कंटेक्सट में इस चीज़ को हाईलाइट किया बजट में भी ये चीज़ हाईलाइट की गई कि जो रिक्वायर्ड स्पेक्ट्रम ऑक्शन है 2022 के लिए तो वो किया जाएगा ऑक्शन किया जाएगा स्पेक्ट्रम का जिससे कि जो 5G मोबाइल सर्विसेज उनको रोल आउट किया जा सके और मतलब 5G मोबाइल फ़ोन सर्विस है आ, उसको आपका रोल आउट किया आ, जा सके आ, क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी आज के समय काफ़ी इम्पोर्टेंट भी बन जाती है वी नो टॉक अबाउट 5G टेक्नोलॉजी तो अब आज के समय अगर देखा जाए तो कई सारे लेवल पे जैसे चाइना है चाइना की हुआवी कंपनी है वो काफ़ी एक्सपर्टीज़ उसने डेवलप की 5G टेक्नोलॉजी में इसी तरीके से और जगहों पे और कंट्रीज़ के अंदर बहुत से टेक्नोलॉजीज प्रोडक्ट वो रिलाई या डिपेंड करते हैं 5G टेक्नोलॉजी पर 5G टेक्नोलॉजी बहुत सारे एरिना को ओपन कर देगी कई सारे टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट को यूज़ और यूटिलाइज़ करने में सो so, ऐसे कंटेक्स में हम पीछे नहीं रह सकते फाइव जी मोबाइल सर्विस जो है वो कैसे रोल आउट किया जाए उसके लिए जो रिक्वायर्ड स्पेक्ट्रम ऑक्शंस हैं वो किए जाए और कन जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो उस ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती हैं और कुछ जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो बाय कर, कर सकती हैं और यूज़ कर सकती हैं रोल आउट करने के लिए 5G टेक्नोलॉजी अब इसमें देखो एक चीज़ और भी ये देखना है कि जो 5G टेक्नोलॉजी का स्पेक्ट्रम है अगर वो बहुत कॉस्टली होगा तो हो सकता है कि क्योंकि इंडिया के अगर आप मेजर मोबाइल प्लेयर्स देखोगे तो ज़्यादा नहीं है वोडाफोन आइडिया वो भी इतना प्रॉफिटेबल नहीं है एयरटेल भी ठीक है जियो है तो एक दो प्लेयर ही हैं मेजर अगर प्राइस बहुत अधिक रहेगा तो क्या होगा मोनोपोलाइजेशन हो जाएगा तो ये भी देखना है कि एक बैलेंस रहे जिससे एक बेटर पार्टिसिपेशन और कॉम्पिटिशन रहे ऐसा मोनोपोली ना रहे ये भी देखना ज़रूरी बन जाता है इसके लिए कदम उठाना ज़रूरी बन जाता है दूसरा एक पॉइंट और भी आ जाता है कि जब आप रोल जैसे यू में हुआ जब आप रोल आउट करते हो तो ये देखना है कि कई सारे इस टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को भी मीट करना जैसे यूएस में क्या हुआ कि एयरपोर्ट के अराउंड जो टावर्स लगा दिए गए तो जो फ्रीक्वेंसी 5G टेक्नोलॉजी के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे थे जो भी फ्रीक्वेंसी 5G टेक्नोलॉजी के द्वारा इस्तेमाल वो सेम फ्रीक्वेंसी आपकी यूटिलाइज़ हो रही थी बाय सर्टेन जैसे अल्टीमीटर जो इस्तेमाल होता है एविएशन सेक्टर में तो उसके द्वारा यूटिलाइज़ आपका किया जा रहा था तो दोनों दोनों लेवल पे फिर काफ़ी डिस्टरबेंस भी हो रहा था इससे जो फ़्लाइट मूवमेंट है वो अफेक्ट हो रहा था तो, तो फाइव जी टेक्नोलॉजी के कई टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस भी आएंगे तो उसको भी मीट करना है तीसरा पॉइंट ये देखना है कि जो पैंडमिक है उस पैंडमिक के बाद से हमारे हम बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं इकनॉमिक लेवल पर भी हम बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं वो फ़ेस कर रहे हैं इस महामारी के दौरान क्या हमें अभी 5G टेक्नोलॉजी पर इतना जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये डिपेंड करता है कि 5G टेक्नोलॉजी के रोल आउट के बाद इकोनॉमिक रिटर्न कितना है तो वो देखना है कि मतलब इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ जॉब क्रिएशन वो हमें देखना है कि हमें ये जो लेटेस्ट जनरेशन टेली टेक्नोलॉजी एबिलिटी है इससे हमें क्या बेनिफिट्स होंगे इकोनॉमिक लेवल पे ये थोड़ा सा देखना जरूरी है तो बहुत सारे जो नई टेक्नोलॉजी है तो ऑप्टिमम पोटेंशियल गवर्नमेंट वुड नीड टू नॉट ओनली ऑफर द की ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी जिसमें वन गीगा हर्ट्स सी बैंड फ्रीक्वेंसी अराउंड थ्री पॉइंट फाइव गीगा हर्ट्स फिर हायर ट्वेंटी सिक्स गीगा हर्ट्स मतलब बहुत सारी जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑफर में रखना पड़ेगा और जो कि जरूरी भी है कई सारे लेवल पे जो बैंड्स है चाहे सी बैंड हो ई बैंड हो जिन पे ये जो 5G जी टेक्नोलॉजीज आपकी जिनको यूटिलाइज करेंगी रन करेंगी डिफरेंट फ्रिक्वेंसी का ऑप्शन करना तो ये सब चैलेंजेस आगे चल के सरकारों को जो है वो फेस करना पड़ेगा अगर 5G जी टेक्नोलॉजी की बात किया जाए तो ये फिफ्थ जनरेशन सेलुलर टेक्नोलॉजी है और यहाँ पे क्या है कि इसकी जो पीक स्पीड अराउंड ट्वेंटी जी है और फाइव फोर की बात की जाए तो वन जी जी है दूसरा इसके कई सारे बेनिफिट्स भी हैं कई सारे जैसे गेमिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और बहुत सारे एरियाज में देखा जाए इसका, इसका इस्तेमाल भी है इसका लोअर लेटेंसी भी है कमेंट सेक्शन में प्लीज लेट मी नो व्हाट इज लेटेंसी बहुत बड़ा डिस्कस किया हमने व्हाट इज़ लेटेंसी तो कई सारे इसका परफॉर्मेंस भी है बहुत अच्छा और कई सारे क्योंकि आज के समय में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी बहुत से आ रही हैं टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे आ रहे हैं तो वहाँ पर वी नीड हमें जरूरी है कि फास्ट डेटा ट्रांसफ़र जो स्पीड है वो होना चाहिए बहुत से सॉफ्टवेयर में भी 5G सर्विसेज को सपोर्ट करें तो ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया में 5G सर्विसेज रोल आउट ना हो और जगह हो जाए तो हम टेक्नोलॉजी के लेवल पे पीछे रह जाएं तो ये बैलेंस करना थोड़ा सा सरकार को भी बहुत जरूरी हो जाता है नेक्स्ट देखते हैं वेइंग इन ऑन हेल्थ डेटा रिटेंशन प्लान अच्छा कौन सा टॉपिक किस पेपर से बिलोंग करता है ऑलरेडी स्टार्टिंग के थर्टी सेकेंड्स है उसमें भी ऑलवेज डिस्कस ध्यान रखना है अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग जितने भी सीरियस स्टूडेंट हैं एक हैबिट आप डेवलप करो जल्दी से उठने का और एक हैबिट डेवलप करना चाहिए जैसे सिक्स फिफ्टीन सिक्स सेवनटीन तक ये सेशन शुरू हो जाता है प्रीलिम्स का सेशन आपका चल ही रहा है फाइव एम का जो होता है तो वो सब आप एक हैबिट बनाओ जल्दी से सेवन एम तक आपका ख़त्म हो जाता है फिर जो भी चीज़ें आपको करनी है वो आप करो अपना रिवाइज़ करो प्रिलिम्स के लिए भी अब समय देना स्टार्ट कर देना चाहिए देना चाहिए क्योंकि नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है और अपना जो रिविज़न है उन चीज़ों को थोड़ा सा आप Uh, करते रहो अपने जो है लास्ट ईयर के यू पी एस सी के क्वेश्चन हैं पी आई क्यूज हैं उनको आप प्रैक्टिस करते रहें सो लेट्स स्टार्ट विद दिस नेशनल हेल्थ अथॉरिटी नेशनल जो हेल्थ अथॉरिटी है जो कि रेस्पॉन्सिबल है, uh, है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को एडमिनिस्टर करने के लिए उसने एक कंसल्टेशन प्रोसेस रखा है जो हेल्थ डेटा रिटेंशन है उसके लिए बाय द uh, हेल्थ केयर प्रोवाइडर इन इंडिया अब देखो इसमें क्या है मेजर इश्यूज आप सबको पता है जैसे जो हेल्थ डेटा है जो हेल्थ डेटा है जैसे अगर आप कुछ इलाज कराते हो और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इसका इस्तेमाल करते हो और कई सारे डेटा है हेल्थ से रिलेटेड डेटा है अब उस हेल्थ से रिलेटेड डेटा का बहुत अधिक इस्तेमाल भी किया जाता है जैसे कोई ए पर्सन है बी पर्सन है सी पर्सन है इससे रिलेटेड हेल्थ डेटा है उस डेटा के माध्यम से रिसर्च और इनोवेशन के लिए वो इस्तेमाल किया जा सकता है मेडिकल के फील्ड में बट इसमें चैलेंज क्या आ जाता है चैलेंज ये आ जाता है दैट इज़ रिलेटेड विद द प्राइवेसी आस्पेक्ट है प्राइवेसी जो एक एस्पेक्ट है वो एक बड़ा चैलेंज आपका आता है कि इसको कैसे बैलेंस किया जाए दोनों को कैसे बैलेंस किया जाए इवन अगर हम इन्फॉर्मड कंसेंट की बात करते हैं इफ़ यू से कि ठीक है अगर पेशेंट जो भी हैं वो एग्री करते हैं तभी हम करें तो यहाँ पर इन्फॉर्म कंसेंट भी इतना अफेक्टिव नहीं है द रीज़न बींग कि जो भी पेशेंट आपके होंगे वो पेशेंट वही करेंगे जो डॉक्टर के द्वारा कहा जाएगा तो डॉक्टर को अवॉइड करेंगे ठीक है पेशेंट को जो है मीन्स दे विल अबाइड डॉक्टर तो यहाँ पे इन्फॉर्म्ड uh, कंसेंट में भी दे विल रिलाई ऑन डॉक्टर तो इसमें थोड़ा सा देखना है कि वो किस तरीके से अगर हम पेशेंट के कंसेंट की भी बात करते हैं कि डेटा शेयर करने से तो वो कैसे उस चीज़ को बैलेंस करते हैं वो देखना जरूरी है अब देखो ऐसी पॉलिसी की ज़रूरत भी है नो डाउट ऐसी पॉलिसी की uh, मतलब अगर ज़रूरत की बात किया जाए तो आज के समय में रिसर्च इनोवेशन बहुत सारे एरियाज़ में ऐसी पॉलिसीज़ की ज़रूरत भी बन जाती है देखो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट के रूप में लिया है और कोई भी पॉलिसी या कोई भी स्टेप अगर लिया जाता है रिलेटेड विथ जो कि प्राइवेसी को इम्पैक्ट कर सकता है उसे फोर पार्ट टेस्ट जो है पास करना पड़ेगा एक तो उसकी लीगैलिटी मतलब इज़ इट एज़ पर द लॉ एक इसका लेजिटिमेट एम कि जो भी पॉलिसी आप ऐसा लेकर आ रहे हो जो कि किसी के प्राइवेसी को अफेक्ट कर रही है तो क्या वो लेजिटिमेट उसके एम क्या है फिर है प्रोपोशनैलिटी इट मींस कि जो पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है कि जो स्टेप लिया जा रहा है वो स्टेप प्रोपोर्शनल है कि हम ये कंसीडर कर सकें कि जो लेजिटिमेट एम है वो एक हायर साइड में है इन कंपैरिजन टू द प्राइवेसी तो प्राइवेसी प्राइवेसी वर्सेस एम की बात एक तरफ रहती है और क्या अप्रोप्रिएट सेफ गार्ड हैं कि नहीं है तो यहाँ पे चार या वी कैन से फोर पार्ट टेस्ट आपके होते हैं लिगैलिटी लेजिटिमेट एम प्रोपर्शनैलिटी एंड अप्रोप्रिएट सेफ ये चारों पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं कभी भी अगर कोई प्रश्न आता है तो ये रिलेटेड विथ प्राइवेसी तो चार पॉइंट्स याद रखना है अब क्या है कि अगर वेन यू टॉक अबाउट लीगैलिटी है तो अगर लॉ बनता है तो लीगैलिटी आस्पेक्ट तो रहेगा लेकिन यहाँ पे चैलेंज सबसे बड़ा जो रहेगा दैट विल बी अगेन द क्वेश्चन ऑफ़ लीगैलिटी बिकॉज जो भी स्टेप लिए जाएंगे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा वेदर दे विल स्टैंड दिस आस्पेक्ट ऑफ प्राइवेसी और नॉट मतलब कि जो लीगल स्टैंडिंग है रिलेटेड विथ प्राइवेसी उसको भी देखना पड़ेगा अदरवाइज हम ये कह सकते हैं कि आ, इसका जो इम्पैक्ट है राइट टू प्राइवेसी पर पड़ेगा और अगर राइट टू प्राइवेसी पर पड़ता है तो लीगालिटी इस पर लीगैलिटी पर चैलेंज होगा और फिर हो सकता है फ्यूचर में ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा ही कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो इम्पोज किए जा सके तो ज़रूरत क्या है वी नीड टू बैलेंस बेनिफिट्स और रिस्क जो है उसको बैलेंस करना जरूरी है ये देखना ज़रूरी है कि जैसे इंडिविजुअल को क्या बेनिफिट है कि इंडिविजुअल के पास ग्रेटर कन्वीनियंस है चॉइस है क्योंकि उसका हेल्थ हेल्थ रिकॉर्ड है उसको ऐसा फाइल मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं कहीं गए हेल्थ रिकॉर्ड है उसका डेटा डाला हेल्थ का पूरा रिकॉर्ड देख लिया बस इतना है पब्लिक बेनिफिट है कि रिसर्च इनोवेशन इन एरियाज में हम जा सकते हैं मतलब जो डेटा है वो डेटा को रिसर्च uh, इनोवेशन के लिए इस्तेमाल uh, किया जा सकता है लेकिन जो कंसर्न है वो है प्राइवेसी प्राइवेसी एक बहुत बड़ा कंसर्न बन जाता है अब पूरा का पूरा जो मेडिकल रिकॉर्ड है उस पूरे मेडिकल रिकॉर्ड को कोई एक्सेस कर सकता है अब उसमें प्राइवेसी कंसर्न एक रेज होता है तो इंडिविजुअल बेनिफिट पब्लिक बेनिफिट और प्राइवेसी तो ये जो बेनिफिट वर्सेस रिस्क है इसको बैलेंस करना जरूरी तो इसके लिए एक ऑप्शन भी दिया गया कि आप एनोनिमिटी रखो जैसे मान लो आपका डेटा है अब नाम से तो मैटर नहीं करता है कि आपका डेटा है और ये फर, फर्दर ए बी सी डी बीमारी है ये जो भी बीमारी है इसके लिए आ, अगर वो डेटा किसी रिसर्च डेवलपमेंट के लिए जरूरी है तो आप क्या करो जो भी इंडिविजुअल है उसको कोई कोड दे दो कोई मतलब नाम मत उसका यूज़ करो तो एनोनिमिटी मेंटेन किया जा सकता है और फिर उस डेटा को रिसर्च और इनोवेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता तो पॉसिबल जो सेफ हैं अगर देखा जाए पॉसिबल जो सेफ हैं वो हाईलाइट किया गया कि कोई भी जो भी स्टेप लिया जाता है क्लियर और स्पेसिफिक केस की अगर बात किया जाए तो वहाँ पे सुटेबल अथॉरिटी के द्वारा वो गाइड होना चाहिए एक प्रो एक रिगुलस प्रोसेस रन बाई सुटेबल अथॉरिटी वो इन्श्योर करना चाहिए डेटा को एनोनिमिटी डेटा की एनोनिमिटी मेंटेन की जा सकती है और तीसरा ये है कि जो इन्फॉर्म्ड कंसेंट है वो इंश्योर किया जा सकता है लेकिन उसमें चैलेंज आ, यही है कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बेसिस में क्योंकि इन्फॉर्मेशन कौन देता है और क्या इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत मैटर करता है कोई भी पेशेंट है वो ऐसा कोई डॉक्टर के खिलाफ नहीं जाएंगे तो ये एक पॉइंट भी आ, देखने की ज़रूरत है तो दीज आर दॉसिबल सेफ़ जो कि फॉलो किया जा सकता है नेक्स्ट देखते हैं रेयर इंसेक्ट साइटेड इन सेसा चलम सेसा चलम में एक जो रेयर इंसेक्ट है वो है आइडेंटिफाई किया गया पहला है ब्लैक पर्चर और ब्लैक ग्राउंड स्कीमर तो ये आपको याद रखना ब्लैक पर्चर या ब्लैक ग्राउंड स्कीमर ये इसका साइंटिफिक नेम है ये ड्रैगन फ्लाई है एक तरीके से ये फर्स्ट टाइम सेसा चलम जो हिल्स है वहाँ पर पाया गया सो इट बिलोंग्स टू फाइलम ऑर्थोपोडा और क्लास इंसेक्टा एंड ऑर्डर ये इसका मतलब डिटेल है यह आपको ध्यान में रखना तो ब्लैक पर्चर और ब्लैक ग्राउंड स्कीमर ये क्या है स्पीसीज ऑफ ड्रैगन फ्लाई है दीज आर द स्पीसीज ऑफ ड्रैगन फ्लाई नेक्स्ट देखते हैं ये क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में था इसका आप क्वेश्चन को आई हैव रीड एट स्टार्टिंग में हम लोग ने डिस्कस किया था इसका आंसर आप देख लो तो यहाँ पे जो जी है इसका जो इट इज़ बेस्ड ऑफ इट इज बेस्ड इन 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 खन साउथ अमेरिका में यह है तो यहाँ पे जो मैं इट इज़ इन जीनीवा इट इज नॉट इन जीनीवा ये लोकेटेड आपका कहाँ है यहाँ पे है और ये इस पर ट्वेंटी फोर मेम्बर्स हैं सपोर्टेड बाय सेक्रेटेट ग्रीन क्लाइमेट फंड का ये आपका क्या है सपोर्ट प्रोजेक्ट प्रोग्राम पॉलिसीज़ और दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको देखना रिलेटेड विथ मतलब बहुत सारे जो क्लाइमेट रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है या ग्री ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंड करना ये जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है वहाँ से पैसा का इस्तेमाल आपका किया जा सकता है सो so, मेनली क्लाइमेट फाइनेंस के लिए अंडर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क जो है यूनाइटेड नेशन जो फ्रेमवर्क है कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज उसके कंटेक्सट में बहुत से जो भी प्रोजेक्ट है उनको फंडिंग के लिए इस्तेमाल आपका किया जा सकता है यहाँ से ग्रीन क्लाइमेट फंड से तो ये क्वेश्चन है आज का आप देख सकते हैं सो so, आज के लिए इतना ही आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आई रिक्वेस्ट यू कि आप एक हैबिट जरूर से डेवलप करें इसमें हम लोग जो न्यूज़ है उसको भी डिस्कस करते हैं साथ में जो एडिटोरियल्स हैं दैट ऑल्सो वी डिस्कस तो अभी हैबिट आपको बना के रखनी है इसको आपको मिस नहीं करना है अगर ऐसा नहीं है कि प्रिलिम्स का एग्ज़ाम है तो आप इसको ध्यान ना दें क्योंकि फिर काफ़ी सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं इस बार भी काफ़ी अधिक प्रश्न जो है न्यूज़पेपर से अलग अलग सोर्सेज से जो है वो रहते हैं प्रीलिम्स के आस्पेक्ट में भी मेन्स के आस्पेक्ट में भी तो उसको आपको ध्यान में जरूर से रखना है ठीक है तो क्वेश्चन जो भी फ्रेम हो तो फाइव एम सीरीज में हम लोग अलग अलग सोर्सेज से जो क्वेश्चन है वो भी डिस्कस कर रहे हैं तो वो भी आप देख सकते हो ऑलरेडी सेशन से पहले वो अपलोडेड है और इस सेशन के अंदर हिंदू को अच्छे से कवर कर रहे हैं सो आज के लिए इतना ही थैंक यू एवरीवन थैंक यू